الرحيم وبنستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود الحديث حضرین گرامی سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث نمبر 2552 اور مسند احمد امام طبرانی और इब्ने जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में और इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को जिक्र किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि जो आदमी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला नहीं करता है वो काफिर है, और एक आयत में फ़रमाया वो फासिक है, और एक आयत में फ़रमाया कि वो ज़ालिम है। तो ये आयतें यहूद के दो कबीले के सिलसिले में नाजिल हुई और यहाँ कुफ्र से मुराद क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ख़ुसूसी तौर पर नौजवान तबका जो उलमा से दूर रहते हैं वो कुरान और हदीस को अपने तय समझकर उसको ऐसे अप्लाई करते हैं जिसमें उनसे गलती हो जाती है और फर्ज से कह बैठते हैं कि अल्लाह के फ़ैसले के अलावा अल्लाह के हुक्म के अलावा फ़ैसला करना ये कुफ्र है। देखो अल्लाह ने कहा उलाइक हुमुल काफिरून, लेकिन आगे पीछे उसकी तफसीर क्या है, उलमा ने इसकी तफसीर क्या बयान की, साहबी रसूल इब्ने अब्बास तर्जुमानुल कुरान मुफस्सिर कुरान है उन्होंने इससे क्या मतलब निकाला वो हम नहीं देखते हैं। और इसी बुनियाद पर खवारिज के अंदर ये सख्ती आई कि खवारिज ने साहबा इकराम को काफिर गर्दाना, हज़रत अली को, हज़रत मुआविया को, सारे दीगर साहबा इकराम को इन लोगों ने कहा कि ये सब काफिर हैं। क्यों? ये लोग हज़रत अली और मुआविया के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करते हैं, अल्लाह के हुक्म छोड़ के जो फ़ैसला किया वो काफिर है। बहुत सिंपल तरीके से अपने दिमाग से समझ लिए। आइए इसको हम तफसील के साथ समझते हैं। खुद मुहद्दिसीन ने इन आयतों को जिक्र करने के बाद बाब जो कायम किया है, मुहद्दिसीन ने इससे क्या समझा है। इमाम अल्बानी की किताब सिलसिला हदीस सहीहा है, उन्होंने भी जो बाब बादा बाब सबब नुज़ूल वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइक हुमुल काफिरून उलाइक हुमुल फासिकून ज़ालिमून, ये जो है इनके सबब नुज़ूल क्या है, क्यों ये आयतें नाजिल हुई, कौन से पस मंज़र में, कौन से बैकग्राउंड में। और कहा कि देखो इन्नल कुफ्र अल अमली गैर अल एतक़ादी, इससे मुराद कुफ्र अमली है, कुफ्र एतक़ादी अक़ीदे का कुफ्र नहीं है। ख़ुद इन्होंने इस्तिदलाल किया है और हम सिर्फ ज़ाहिरी माने को लेके किसी पर कुफ्र का फतवा हाथ देते हैं। खवारिज ने यही किया, कहा कि जो मुआविया और अली का फ़ैसला मानेगा, इनका हुक्म मानेगा वो काफिर है। आगे इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ करूँगा। अब उसके बाद आइए इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, वो इब्न अब्बास जो कि नबी के चचाजाद भाई, हर वक्त नबी के साथ रहा करते थे, नबी की खिदमत किए तो कहा कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, तो नबी खुश होकर उनको ये दुआ दिए अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह इस बच्चे को तू दीन की फहम, दीन के फ़िक़्ह और फ़हम व फ़िरासत अता फरमा और इनको कुरान की तफसीर का इल्म दे। हाँ, नबी ने दुआ दी। इसीलिए हम देखते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान थे तो हज़रत इब्न अब्बास थे, और इसी तरह से फ़िक़्ह की बात है तो फ़िक़्ह में भी माहिर थे इब्न अब्बास। हर मैदान के बड़े आलिम माने जाते हैं सहाबा इकराम में, तफसीर के मैदान में हो, हदीस और फ़िक़्ह के मैदान में हो, अरबी ज़बान दानी के सिलसिले में हो, हर एतबार से बड़े आलिम माने जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आयतें हैं कि मन लम यहकुम, जो फ़ैसला नहीं करता है, बिमा अनज़लल्लाह, उनके मुताबिक जिनको कि अल्लाह ने नाजिल फरमाया, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जो फैसला नहीं करता वो लोग काफिर हैं, वो लोग जालिम हैं, वो लोग फासिक हैं। क़ाल इब्न अब्बास ने कहा कि ये जो नाजिल हुई ये किस सिलसिले में नाजिल हुई? कहा कि यहूद के दो कबीले के सिलसिले में। अब आप सारी तफसीलात सुन लीजिए, मसला हल हो जाएगा। लंबी हदीस है, मैं आपको मुख्तसर करके पेश करता हूं। मदीने में यहूद के कबीले रहा करते थे। आप जानते हैं यहूद के 3 कबीले थे, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका। नबी की हिजरत करके आने से पहले मदीने पे इन्हीं का राज था, ये यहूदी लोगों का ही राज था। यहूद के पास जात पात बहुत है, ऊंच नीच जात पात ये यहूद के पास बहुत है। और यहूद का कबीला जो यहाँ पर 3% में है उनके पास भी यही चीज़ है, जात पात ऊंच नीच। यहूद का ये तस्वुर है, अल्लाह ने हमें सबसे चहीते बनाया है, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के चहीते, अल्लाह के बेटे हम हैं। दुनिया पे हुकूमत करना ये हमारा काम है, बाकी सब लोग ये हमारे गुलाम हैं। यही तस्वुर इनके पास भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आने से पहले यहूदी यहाँ पर जो चाहे करते थे। बाकी लोग काफिर थे, मुशरिक थे, उनके पास तो किताब का इल्म नहीं, जाहिल थे वो लोग। जो ये समझाते थे वो समझ जाते थे। इनके पास ये तरीका था कि अगर ऊंची जात का कोई नीची जात के किसी को कत्ल कर दें तो उसको बदले में 50 उकिया देना है, या 50 औसक जो उनके पास तय किए 50 देना है। और अगर कोई ऊंची जात के किसी को कत्ल कर दें तो 100 देना पड़ेगा। आज भी देखो, एक यहूदी का कत्ल हो जाए 100 को कत्ल कर देंगे लोग, तिलमिला जाएंगे। और डरपोक कौम है ये, सब मैदान में आके किसी और के सहारे पे करते हैं, ये डायरेक्ट नहीं आते हैं। तो ये जो तरीका था, तो जो निचली जात वाले थे उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आ गए। उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि एक निचली जात का यहूद एक ऊंची जात के यहूद को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि 100 देना पड़ेगा। आगे हमारे में से जब कत्ल करते हो तो तुम 50 देते हो, हम क्यों 100 देंगे, हम भी 50 देंगे। आगे नहीं देना पड़ेगा, ये हमारा तरीका है। कहा कि हम भी यहूद है, तुम भी यहूद हो, तुम्हारा मजहब एक है, मेरा मजहब वही है, तुम्हारी किताब वही है, हमारी किताब वही है, ये क्यों भेदभाव है? चलो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, वो हमें इंसाफ दिलाएंगे। दोनों तय कर लिए, ठीक है उनको हकम बना लेंगे। ऊंची जात वाले ये साजिश करते हैं और हर जगह अपने एक जासूस को छोड़ते हैं। ये पुरानी इनकी आदत है, आज भी है। हर जगह अपने एक आदमी को भेजते हैं ये लोग, मुसलमानों में मुसलमान बनाकर, क्रिश्चियनों में क्रिश्चियन बनाकर, बाकी और मजहब वो बनाकर भेजते हैं, जाकर बड़े ओहदे पर पोस्ट पे पहुंचा देते हैं और वो पूरी इनकी जो है रिपोर्टिंग करते हैं। उस वक्त से चले आ रहा है। हमने हदीस रसूल में झूठ बोलने वाला और मुख्तलिफ फिरकों में बांटने वाला और उस्मान रदियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में जो हाथ था, अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी मुसलमान बन के आया, पक्का यहूदी था। आज भी ऐसे होता है यहाँ पर, आज तक ये हो रहा है। कितने लोग आए दिन मुर्तद हो गए, कुरान की आयतों पर रिमार्क करके मुर्तद हो गए ना, उनके आप पूरे पुरखों से पुरानी हिस्ट्री देखोगे, वो भी उसी कबीले से आया था। तो बहरहाल उछली जात के यहूद ने क्या किया, अपने एक जासूस को भेजा नबी के पास, जाओ जाके नबी से उनके दिल की बात ले लो, क्या फैसला करना चाहते हैं। हमारा जो पहले से चले आ रहा है, ऊंची जात वालों को 100 दिलाएंगे कि इंसाफ करेंगे। नबी के पास ये जासूस जाने से पहले ही अल्लाह ने वही नाजिल फरमा दी। अल्लाह ने कहा, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल, ला यहज़ुनका लदी युसारिऊन फिल कुफ्र। अल्लाह ताला वो लोग आपको गमजदा ना करें। ये क्या है, ये लोग एक बोल रहे हैं, ये एक बोल रहे हैं, आपको उलझा रहे हैं और आपकी बात ये लोग सामने बोले मान लेंगे, पीछे नहीं मानेंगे। खामा खामे आप टाइम वेस्ट मत करो, इनके पीछे मत पड़ो, छोड़ दो उनको, अपनी हालत पे छोड़ दो, आप फैसले में मत जाओ और आप गमजदा ना हो जाए। ये तो युसारिऊन फिल कुफ्र, कुफर की तरफ आगे बढ़े जा रहे हैं। मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना, वो लोग जिन्होंने कहा कि हमने ईमान लाया। अब यहाँ देखो, यहूद के बारे में कहा कि उन्होंने कहा ईमान लाया, ईमान भी कहा अल्लाह ने, फिर कुफ्र भी कहा। दोनों ऑड है ना, तजाद है। आग पानी दोनों जमा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ईमान और कुफ्र दोनों एक साथ जमा हो सकते। तो ये क्या मालूम हुआ कि ये अकीदे का कुफ्र नहीं है, ये अमल का कुफ्र है। अब इन्होंने अल्लाह का जो तयशुदा कानून था तौरात में, वो है इक्वलिटी, सबके लिए इक्वलिटी थी, 100 इनके भी होना उनके भी होना चाहिए था, लेकिन यहूद ने उसको छुपा दिया और अपने एतबार से फैसला किया। यहूद ने उसको छुपा के अपने एतबार से फैसला किया। अब वो लोग जो जबरदस्त कमजोर थे, निचली जात वाले कमजोर थे, इन्होंने फैसला बदल दिया। अब इस फैसले पे वो लोग अमल किए नहीं किए, अमल किए। अब जबरदस्ती मजबूरन अमल किए तो क्या वो काफिर हो गए? नहीं होते। इस पॉइंट को आप दिमाग में रखो, इस बात को आप दिमाग में रखो। रखने के बाद अब यहां आओ। आमतौर से क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि भाई हम लोग जहां पर हैं, यहां हैं, किसी और मुल्क में हैं, वहां के कानून के मुताबिक फैसला करते हो तुम काफिर हो, वहां वोट डालोगे काफिर हो जाओगे। क्यों? तुम जो है लेजिस्लेटिव कौन होते हैं? एमएलए का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, हाँ, असेंबली। असेंबली में जाके वो लोग कानून बनाते हैं, कानून पास करते, कानून बनाते हैं। लेजिस्लेटिव का मतलब यही होता कानून, है ना। तो अब कानून जाके वो कुरान हदीस के खिलाफ भी बना सकते हैं। कानून बनाने का हक तो अल्लाह को है, बिल्कुल सही बात है। अब आप उसको वोट डाल के भेज रहे हो तो क्या आप कुफर को या तागूत को सपोर्ट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? जाहिरी तौर पर फलसफा बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन आप गहराई में जाकर देखोगे, उलामा से डिस्कस करोगे, ये फलसफा आपका नहीं चलेगा, ये फलसफा नहीं है। आपके वोट डालने का मतलब ये नहीं है उसके हर काम को आप एग्री कर रहे हो। हाँ, वो कल के दिन शराब की दुकान को लाइसेंस दे दिया तो आप भी उसको एग्री किए? नहीं। उसके हर काम के आप जिम्मेदार नहीं है और ये आपके इख्तियार में नहीं है। इसलिए याद रखो, ऐसे मुल्क जहां पर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, ऐसे मुल्क जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, इस्लाम के नाम पर पार्टियां बनाना बहुत बड़ी गलती है। तुम अगर इस्लाम के नाम पे अलग हो जाओगे, ये लोग गैर इस्लाम के नाम पर सबको मुत्तहिद करेंगे, जो आज हो रहा है। और मुसलमानों से एक दो लोग बड़े बड़े लेक्चर हाँकते हैं, करते कुछ नहीं मुसलमानों के लिए। हाँ, यहां वहां से, है ना, हैदराबाद के साहिब है, फुलाल आहिब हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते क्या? मुसलमानों को आज तक क्या दिलाया बोलो? उन्होंने मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया? बड़े बड़े लेक्चर हाके। हाँ, उससे क्या हो रहा है? दूसरे लोग मुत्तहिद हो रहे हैं। यहां पर यह नहीं चलेगा। जबानी जमा खर्च, बड़े बड़े लेक्चर, जैसे कि तैसे वाला मामला नहीं है। आप समझदार उलामा के साथ बात करो, आपको वो बताएंगे हिकमत अमली क्या होती है। मुसलमान जहां पर माइनॉरिटी में हैं और वहां पर जमहूरियत का निज़ाम कायम है, बाकायदा बड़े उलामा ने यह फतवा दिया है, वहां पर आपके हक लेने के लिए आपके वोट का इस्तेमाल ही आपको करना है। अगर आप वोट नहीं डालोगे तो गुनहगार हो जाओगे। हाँ, नहीं डालोगे तो गुनहगार हो जाओगे, डालोगे तो नहीं। क्यों? तुम्हारे सही चीज का इस्तेमाल ना करने की वजह से गलत लोग आ जाएंगे, गलत काम होगा। इसलिए तुम क्या करो, अपने हक का इस्तेमाल करो। मुसलमान सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। नोट के बदले में वोट बांट बेच देते हैं, 500 का 1000 का नोट देते हैं और आईडी ले लेते हैं। गोश्त के एक डब्बा दे दिए, बस हो गए, बिक गए। ये जो है जमीर फरोश भी है, मुल्क फरोश भी है, हक फरोश भी है, वतन फरोश भी है। ये लोग बेजमीर इंसान है, याद रखो, बेगैरत इंसान है। तो यहां पर आपको अब रहा यहां के हुक्म। आपके घर में चोरी हुई, आप पुलिस में जाके कंप्लेन किए, किसी ने जुल्म किया, जाके अदालत का सहारा लिए, यहां के कानून के मुताबिक फैसला होगा। तो आप अल्लाह के कानून छोड़ के वहां गए तो काफिर हो गए? नहीं, इसको नहीं बोलते। आपके सामने देखो, आप ये सोच के नहीं जा रहे हो कि कुरान एक होता कि वो अगर ये कहता है, अच्छी तरह सुनो, कहता है कुरान में अल्लाह के जो कवानीन है ये इनवैलिड है, ये नहीं चलेगा, बेकार है, ये जो इंसान का बनाए हुए कवानीन अहकाम है यही अच्छे हैं, तो वो काफिर होगा, वो काफिर होगा। लेकिन यहां पर इस्लामी गवर्नमेंट नहीं है और यहां जो कुरान और हदीस के इस्लामी गवर्नमेंट, इस्लामी लॉ यहां अप्लाई नहीं होंगे। यहां पर जो कानून है उसके मुताबिक जाना, उसका सहारा लेना, यह कुफर नहीं है। जिस तरह से ये मजबूर लोग कमजोर थे, वो जो ऊंची जात के यहूद इन पे थोप दिए तौरात हटाकर, तो इनकी मजबूरी थी। आप और हम भी यहां पर मजबूर हैं, कमजोर हैं। आप अलग से जाकर अदालत कायम करोगे, चोर चोरी किया, हाथ काट दोगे, क्या हो जाएगा? आपको जाके जेल के अंदर भर देंगे। कल के दिन जानी जिना किया, आप जाके संसार करोगे तो छोड़ेंगे? हाँ याद रखो, इसके लिए जो बेसिक ज़रूरत है इस्लामी गवर्नमेंट होना, काजी वक्त होना, उसके बाद ही ये सब होता है। इसलिए डायरेक्ट निकालते ही आप ये कह दे कि देखो काफिर हो गया, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, इन्होंने जो किया यहूद ने, ये अमाली कुफर किया। अमल के एतबार से वो मानते थे तौरात में है, लेकिन अमली तौर पर जो लोग जानबूझ के किए वो काफिर हुए, और उनका ये एतकाद था ये है, लेकिन अमल नहीं किए, तो अमल का काफिर हुए, अकीदे का काफिर नहीं है। इमाम बुखारी ने भी बाप बादा कि कुफुरुन दोना कुफुर, कुफर अलग है, वो कुफर अलग है, कुफर में फ़र्क है, इसको याद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस्लाम से एकदम खारिज हो गया है। दुआ कीजिए रब्बुल आलमीन से, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कुरान और हदीस को मनहज सलफ़ के मुताबिक समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।